कल्पना करिए, विभीषण जी को जानते हैं आप लोग? विभीषण जी को कौन कौन जानता है? लंका वाले विभीषण जी, जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, उस लंका में भगवान का मंदिर बना के भजन करते थे विभीषण जी। और वो विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो विभीषण जी की शब्दावली देखिए आप है? यदि विभीषण जी के जगह हम होते, राजन होता, तो हम अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के आए होते। राम जी को देख के कहते कि एक बार पढ़ लीजिए हम कहाँ हैं, देख लीजिए एक बार। लंका के इकलौते भगत हैं आपके हम, कौनो वहां पर आपका नाम नहीं लेता, छोड़ हमको, हम ही आपके एकमात्र भगत जी हैं। लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु विभीषण जी को दर्शन करिए, आकर ये नहीं बोले कि मैं आपका भगत हूं, क्या बोले? नाथ दसानन कर मैं भ्राता। ये नहीं बोले कि मैं भगत हूं, ये बोले आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने रघुनाथ जी संकल्प लिया है, सौगंध लिया है कि धरती से निशाचरों को समाप्त करूंगा, उसी निशाचर कुल का मैं भी हूं। निशिचर वंश जन्म सूरत्राता। प्रभु निशाचर हूं मैं। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, उसी प्रकार इस विभीषण को पाप से प्रेम है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर देहा। विभीषण जी बोले प्रभु हम पापी हैं, हम निशाचर हैं। राम जी बोले अब क्या, तो फिर यहां कैसे आ गया? बोले प्रभु सुना था मैंने आपके बारे में। क्या सुना था? श्रवण सुयस सुनिया प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघु। मैंने आपके बारे में अपने कानों से सुना था। श्रवण सुयस सुनी आयऊ, क्या सुना? प्रभु भंजन भव भी, आप भव भीर को भंज देने वाले हैं, यही सुना था। राम जी पूछे किसने सुना दी आपको? विभीषण जी कह रहे प्रभु कहा बताई हम। अरे सुन ले रनी हराउर हम नौवाए माली, आके देखियो लेनी आज कितना दयालु बा सुभौआए मानी। राम जी पूछे को किसने सुना दिया? बगल में हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी बोले प्रभु जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। हनुमान जी बोले थे जाके। राम जी पूछे का बोले थे? अरे रौरे नौवा जपिके केतना पतित भैले पावन। उदाहरण भी दिए थे क्या? अरे काग देव कहा गईले एगो कौआ ए माली केतना आत्मनिवेदन है। भगवान के सामने समर्पित हो जाना यह हमारे मन को निर्मल बना देता है। और याद रखिएगा,
आत्मनिवेदन करने के भाव आते के साथ ही मन निर्मल होगा, क्योंकि बिना मन निर्मल हुए भगवत शरणागति होने वाली ही नहीं है। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सोम ही पावा, यानी जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। भगवान खाती कहीं जाए कि नहीं खे, भगवान मिले मिलाए हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे महाराज, मनवे नहीं खे निर्मल भइल तो कैसे दिखाई दी है? मन पर कचड़ा जमा करके बैठे हैं, कैसे भगवान दिखाई पड़ेगा? मन निर्मल करिए। मन निर्मल हो गया तो जीवन में सदैव नवीनता बनी रहेगी। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे गदगद हो गए, तुरंत गए और निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। निज कर, निज कर यानी अपने हाथ से, दासी दासी मतलब बिछा कर, क्या बिछा कर, नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु, हाथी का शत्रु कौन, बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर को अपने हाथों से बिछा कर और बाबा उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। अब यहां पर एक प्रश्न है, क्या आसन बिछाने के लिए कोई गण नहीं थे वहां पर? गण तो होंगे ना बाबा के, गणों को बिछाना चाहिए। इसके कई भाव महापुरुषों ने दिए, मैं आपसे एक दो बात निवेदन करूं। पहली बात, भगवान शंकर यहां पर जगत को संदेश देना चाहते हैं कि जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। हमारे किसी व्यवहार के लिए यदि हम दूसरे पर निर्भर हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब केहू आसन बिछाई तो हम बैठे, आसन बिछाने वाला पकौड़ी खाने चला गया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने धावा बोला उसके महल पर, उसको बंदी बना लिया। कैसे बंदी बनाया मालूम है? जब अंग्रेजों ने हमला किया तो उस समय वो सिंहासन पर बैठा था, उसके जितने सिपाही कर्मचारी सब भाग गए, वो नहीं भागा। काहे नहीं भागा? जूता पहनाने वाला कोई नहीं था उसके पास। अब अपने हाथ से कभी जूता पहना नहीं है, हमेशा सेवक जूता पहनाए हैं, और जूता पहनाने वाला सेवक अपन जूता पहन के भाग लिया। राजा बैठे कि केहू जूता पहनाओ तो हम भागे, उसी में बंदी बन गए। जीवन में जितना हो सके आत्मनिर्भर रहिए। हम अपने व्यवहार के लिए दूसरे पर आश्रित न रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको बचपन से काम सिखाइए, सवेरे जब सोकर उठे तो सबसे पहला काम करे जिस चादर को ओढ़ के सोए थे उस चादर को अपने हाथ से चपेटना का स्वभाव बने पहले। जो अपने रात को सोए हुए बिस्तर को नहीं ठीक कर सकता वो जीवन को क्या खाक ठीक करेगा?